जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक और आपके लिए जो है ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आ चुका हूँ जो डायरेक्ट निकल के आने वाली है। चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन हो जारी हो चुका है। चंडीगढ़ में आपकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें आपकी फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। उसके जो रूल हैं वो जारी कर दिए गए, रूल एंड रेगुलेशन आपके जो हैं जारी कर दिए गए हैं। 2024 में आपकी वैकेंसी आने वाली है। कब तक ये वैकेंसी आएगी उसके बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, एज क्या रखी गई है। जो 2024 में आपकी वैकेंसी आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड और आपकी फॉरेस्टर की जो वैकेंसी है उसके जो रूल हैं वो जारी कर दिए गए, रिक्रूटमेंट के जो रूल हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये मैंने चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया, दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से बात करेंगे, क्या इसके लिए जो है क्राइटेरिया रखा गया है और क्या इसके लिए जो अपडेट आई है। तो वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखते रहें। ये जो नोटिस है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर आपको हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट भी दी जाती है, इसलिए जो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट का जो रूल है वो जारी कर दिया गया है आपका, जिसमें ड्राफ्ट मैन आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, उसके बाद आपकी जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में आपकी वैकेंसी हैं, दो तीन तरह की आपकी पोस्ट हैं जिसमें आपके रिक्रूटमेंट के रूल हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो जारी कर दिए हैं। 2024 में आपकी वैकेंसी आने वाली है। देखिए 2024 के रूल हैं, मतलब कि 2024 में आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी की सैलरी की बात करें तो सैलरी की जो है वो नोटिफिकेशन जो होगा उसमें आपको बताई गई है कितनी सैलरी मिलेगी, आगे बात करेंगे उसके बारे में भी, क्वालिफिकेशन के बारे में भी, इनके सभी के बारे में आगे बात करेंगे। आप वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखते रहें। जैसे कि यहाँ पर ड्राफ्ट मैन की बात कर लेते हैं, पहले ड्राफ्ट मैन की जो पोस्ट है ये वैकेंसी है, इसमें लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें आपको जो है एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो आपसे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग, इसके साथ आपसे डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। 30 साल इसमें आपकी ये जो रखी गई है, उसके बाद ये डायरेक्ट वैकेंसी है और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड फिलिंग जो आपकी डिपुटेशन बेस है वो भी वैकेंसी है, दोनों तरह की आपकी पोस्ट रहेंगी। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप अगली पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अब जो अगली पोस्ट आपकी है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। ये आपकी जो है ऑफिसर की पोस्ट है, हम जो मेन पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जो आपकी मेन पोस्ट दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी भी आने वाली है, इसके भी 2024 के रूल हो जारी कर दिए हैं। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, इसमें भी आपको 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपकी 30 साल एज रखी गई है, इसमें आपसे बीटेक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके बाद इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, जिसमें मेल की हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट जो है नॉर्मल 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगा गया है, मेल और फीमेल दोनों की इसमें चेस्ट मांगी गई है। उसमें बाद इसमें आपका जो है अलग से छूट भी दी जाएगी, और इसमें जो मतलब कि ये वैकेंसी आपकी 50% डायरेक्ट होगी, 50% आपकी जो है प्रमोशन कोटे से होगी। उसके बाद अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो अगली पोस्ट जो आपकी डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है, ये भी आपकी लेवल 6 की सैलरी रहेगी इसमें। उसके बाद ये आपकी जो है प्रमोशन के अकॉर्डिंग है ये वैकेंसी तो आपकी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी पोस्ट हैं जो आने वाली हैं उनकी बताई गई है। जैसे कि फॉरेस्टर की पोस्ट है, 2024 में वैकेंसी आएगी, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 25,500 से 81,100 तक आपको सैलरी मिलेगी, 18 से 27 साल इसमें एज आपकी रहने वाली है। उसके बाद इसमें आपने जो है 12वीं क्लास पास कर रखी हो 50% के साथ ही किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, इनमें से आपके जो पास है 2 सब्जेक्ट होने चाहिए या आपके पास फिर डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाइट में इसमें जो मेल की 163 सेंटीमीटर हाइट है, इसमें जो आपकी 25 किलोमीटर की रनिंग होगी, 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फीमेल की जो बात करें 150 सेंटीमीटर हाइट है, इसमें 14 किलोमीटर की रनिंग होगी, 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये आपकी वैकेंसी 50% डायरेक्ट होगी, 50% जो कोटे के अकॉर्डिंग होगी।
उसके बाद अगली पोस्ट की बात करें तो आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है ये लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, 21,700 से 69,100 तक आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 27 साल इसमें एज रहेगी, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की इसमें एज में छूट भी आपको दी जाएगी। उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन है, आपने 12th क्लास पास कर रखी हो सिंपल 55% के साथ ही, तभी आप इसके जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या आपने 10th के साथ आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हाइट 163 सेंटीमीटर मेल की है, 25 किलोमीटर 5-4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फीमेल की बात करें तो वही चेस्ट हाइट रखी गई, वही जो है रनिंग रखी गई है। उसके बाद ये वैकेंसी आपकी 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद ये पोस्ट आपकी निकलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस का जो रूल है, रूल एंड रेगुलेशन है, वो भी जारी कर दिया, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो है, जो आपके रूल हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं और साथ में जो सिलेबस रहेगा वो भी यहाँ पर आप जारी कर दिया है साइट पर। जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली जो पोस्ट है, पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्टर की जो पोस्ट है इसमें क्या क्या आपका होने वाला है। इसमें जैसे कि आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, PT PMT होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। उसके बाद जो 10 नंबर आपके जो ग्रामर के रहेंगे 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी जर्नल है मतलब GK से 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो फॉरेस्टर की जो पोस्ट है, ये 12th लेवल पर आपका इसका सिलेबस रहेगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, इसका भी 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसमें भी आपका सेम PT PMT मेडिकल होगा, फिजी है इसका एग्ज़ाम, जो है एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे, GK से 15 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 10th लेवल का ये इंग्लिश का 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा ये। तो ये सिलेबस और जो आपके जो PMT PMT जो भी होने वाला है वो उसकी एंड रेगुलेशन की जो डिटेल वो डाल दी है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल है वो फॉरेस्ट गार्ड की का बताया गया है, ऐसे ही आपका सभी पोस्ट का बताया जाएगा फॉरेस्टर की जैसे ये दी गई है। तो जल्दी ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, वैकेंसी देखे चुनाव के बाद ही आएगी, अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन जो है वो जारी कर दिया, साइट पर जाके आप जो है चेक कर सकते हैं खुद भी। तो ये आपके लिए अपडेट थी, जल्द आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी डाउट रहता तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आज इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे कोई और नेक्स्ट वीडियो में।